हेलो दोस्त, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंस के अंदर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे बिगनर हैं जो फाइनेंस के अंदर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो सभी डरते हैं क्योंकि अभी मार्केट में क्या है, बहुत सारे एआई टूल आ चुके हैं जो कंटेंट लिखते हैं, और इस वजह से बहुत सारे बिगनर ब्लॉगर वो डर चुके हैं कि ब्लॉगिंग हो चुकी है, ब्लॉगिंग के अंदर नहीं हो सकता। बट ऐसा कुछ नहीं। देखो, जब भी मार्केट में कोई नई चीज आती है ना, वो अपने साथ एक नया मेथड लेके आता है। अब मार्केट में एआई आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमें ब्लॉगिंग करने के तरीके बदलना पड़ेगा, हमें हमारे पुराने मेथड से उनको बदलना पड़ेगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फाइनेंस ब्लॉग को सक्सेसफुली रन कर सकते हो 2023, 2024 या फिर 2025 के अंदर। तो जो भी लोग फाइनेंस ब्लॉगिंग से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, यहाँ पे महीने के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में साथ साथ मैं यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा फाइनेंस ब्लॉगिंग के अंदर, कि आपको किस निश पे काम करना है, आपको किस लैंग्वेज में काम करना है, आपको रीजनल लैंग्वेज में काम करना है नहीं करना। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप फाइनेंस निश के अंदर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हो, हिंदी ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हो, ए टू जेड सारी चीजें आज मैं फाइनेंस ब्लॉगिंग निश वाले कोर्स के अंदर कंप्लीट करने वाला हूं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब मैं फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे ब्लॉगिंग कोर्स निकालने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आपको ऐसी ऐसी अमेजिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपको कहीं भी किसी प्रीमियम कोर्स के अंदर नहीं मिलेगी। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में आप आने वाले ब्लॉगिंग कोर्स को मिस ना करो। तो चलिए अब बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, फाइनेंस ब्लॉगिंग को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। इस कोर्स के अंदर मैं आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ वेबसाइट्स की यहाँ पे केस स्टडी दिखाऊंगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये केस स्टडी देखने के बाद आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से काम करना है, किस निश पे काम करना है, लोग किस तरीके से स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क करके यहाँ पे फाइनेंस निश के अंदर पैसा कमा रहे हैं। और मैं एक और चीज यहाँ पे लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे एआई को बीट कर, यानी एआई से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस तरीके से काम करेंगे कि एआई हमारे बीच में आएगा ही। मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइनेंस के अंदर हिंदी ब्लॉगिंग, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हो, किस लैंग्वेज में आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए, निश कौन से बेस्ट रहेंगे, वर्किंग मेथड क्या रहेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप हमारी क्या प्रोसेस रहेगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मैं पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, वो ले रहा हूँ हिंदी और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। ये सबसे बड़ा डाउट होता है लोगों को कि अगर फाइनेंस ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो किससे करें, हिंदी ब्लॉगिंग से करें, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से करें। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉइंट बताऊंगा हिंदी और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड। सबसे पहला तो ये है कि हिंदी ब्लॉगिंग के अंदर लो कॉम्पिटिशन। अब लो कॉम्पिटिशन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मतलब आप इजिली रैंक कर जाओ। लो कॉम्पिटिशन का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो वेबसाइट्स है सर्च रिजल्ट के अंदर, वो लो डीए वेबसाइट है, यानी जिनकी डोमेन अथॉरिटी कम है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है हिंदी ब्लॉगिंग में कि यहाँ पे इजी एंड फास्ट ग्रोथ है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल ब्लॉग। आप हिंदी ब्लॉगिंग से आप फाइनेंस के अंदर अगर आप हिंदी में ब्लॉगिंग करते हो या किसी रीजनल लैंग्वेज में ब्लॉगिंग करते हो, तो आप पहले 3 महीनों के अंदर ही अपने 100 या फिर उससे ज्यादा डॉलर कमा लोगे, सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही। लेकिन वही अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करते हो तो यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन कम है, ठीक है। आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, आप उन पर रैंक कर सकते हो, बट यहाँ पे जो फर्स्ट पेज में जो वेबसाइट रैंक करती है ना, वो हाई डी वेबसाइट होती है, जिनको डी रैंक थोड़ा सा मुश्किल हो। और यहाँ पे जो आपकी सक्सेस है वो थोड़ी सी स्लो होगी, बट मोर मनी, यहाँ पे आप पैसा ज्यादा कमाओगे एज कम्पेयर टू हिंदी ब्लॉग। आप स्लो सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे 1 साल लग जाएगा। हिंदी ब्लॉगिंग में जहाँ आप यहाँ पे 3 महीने में अपने पहले $100 कमा रहे थे, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में आपको वही 4 से 5 महीने लग जाएंगे अपने पहले $100 कमाने में, सिर्फ ये डिफरेंस होने वाला। तो अब आपको अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है, जिस भी लैंग्वेज के अंदर पोर्टेबल हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हो हिंदी और इंटरनेशनल ब्लॉग। अब मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स का डाटा दिखा देता। अब दोस्तों देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट को ओपन किया, शेयर प्राइस टारगेट। इस वेबसाइट की जो डीए है वो बहुत ही ज्यादा कम है। मैं यहाँ पे मौज बार को भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको डीए का पता लग जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, इस वेबसाइट का जो डीए है वो सिर्फ 12 है, यानी इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो सिर्फ 12 है, यानी ज्यादा हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट नहीं है। अभी जो वेबसाइट है ना, स्पेशली शेयर प्राइस टारगेट के ऊपर काम कर रही है, जहाँ पे सभी शेयर्स के उसके टारगेट प्राइस के बारे में बताती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसके साइट मैप में भी जाके देखोगे तो आपको ज्यादातर शेयर प्राइस टारगेट से रिलेटेड इनके आर्टिकल मिलेंगे, जिसके ऊपर इस वेबसाइट को मैक्सिमम ट्रैफिक मिल रहा है। तो दूसरी यहाँ पे जो वेबसाइट है वो है सिक्योर निवेश। अभी जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट के ऊपर कुल 10 से 12 आर्टिकल है, और उसके ऊपर मंथली यहाँ पे 10 से 12 हजार का ट्रैफिक आ रहा है। लेकिन ये वेबसाइट है, ये कर तो फाइनेंस के अंदर ही काम रही है, लेकिन इसका तरीका अलग है। ये क्या कर रही है, यहाँ पे देखो स्टॉक मार्केट जो बुक्स है उनके ऊपर आर्टिकल लिख रही है, जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की पीडीएफ उनके ऊपर काम कर रही है, यानी एक तरीके से पीडीएफ वेबसाइट होगी फाइनेंस के अंदर। अब इसकी जो डी है वो सिर्फ 3 है, ज्यादा हाई नहीं है। तो जब आपकी एक न्यू वेबसाइट होगी, जब आप एक न्यू वेबसाइट क्रिएट करते हो, तो आपकी वेबसाइट को जो डीए है ना वो 1 या फिर 2 होता है, यानी आप इजीली इस वेबसाइट को डीरैंक कर सकते। नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट गाइड। अब ये वेबसाइट है ये इंग्लिश के अंदर है, बट इसकी जो डीए वो 17 है, थोड़ी सी हाई है, इतनी भी ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पे ये वेबसाइट भी पीडीएफ के ऊपर काम कर रही है, इंग्लिश में पीडीएफ के ऊपर ये यहाँ पे काम कर रही है वेबसाइट। इनके जितने भी आर्टिकल्स हैं, ज्यादातर आर्टिकल पीडीएफ से रिलेटेड है,
तो शेयर मार्केट के अंदर भी आप यहाँ पे पीडीएफ को टारगेट कर सकते हो। शेयर मार्केट के अंदर, फाइनेंस के अंदर सिर्फ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आर्टिकल नहीं लिखा, पीडीएफ को भी टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा सीपीसी मिलेगा क्योंकि हम काम फाइनेंस के अंदर ही कर रहे हैं। जो अपनी नेक्स्ट वेबसाइट है वो मनी सेविंग हिंदी। अब ये जो वेबसाइट है ये भी देखो म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, ये मल्टी निश वेबसाइट होगी फाइनेंस के, ठीक है, जो शेयर मार्केट, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड सभी को यहाँ पे टारगेट करती है। और इसके ऊपर भी अच्छा खासा ट्रैफिक है, इसके जो डीए है वो 14 है, ट्रैफिक आप खुद से चेक कर सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वेबसाइट हम देखें तो इस वेबसाइट का नाम है यहाँ पे क्विक फायदे, ठीक है, और इस वेबसाइट की जो डीए है वो सिर्फ 4 है, क्रिएट अ फ्री डीमैट अकाउंट, ठीक है, शेयर मार्केट हिंदी, इसके ऊपर ये गाइड कर रही है वेबसाइट हिंदी के अंदर, ठीक है। जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है यहाँ पे स्टॉक डाइजेस्ट। अब ये वेबसाइट क्या कर रही है, ये वेबसाइट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में उनके लिंक प्रोवाइड कर रही है, ये भी फाइनेंस के अंदर। तो जो लोग आप सोचते हो कि शेयर मार्केट के अंदर या फाइनेंस के अंदर सिर्फ आप यहाँ इन्फॉर्मेशन आर्टिकल लिख के पैसा कमा सकते हो, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको अलग अलग वेबसाइट दिखाई है जो अलग अलग तरीके से काम फाइनेंस निश के अंदर ही कर रहे हैं, बट उनका जो काम करने का तरीका है वो अलग है। ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर काम कर रही है, ये यहाँ पे सिंपल इन्फॉर्मेशन दे रही है, ये वेबसाइट यहाँ पे मल्टी निश है, ये वेबसाइट यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर रही है, और ये वेबसाइट यहाँ पे बुक्स वगैरह की पीडीएफ प्रोवाइड कर रही है। तो हर वेबसाइट अलग तरीके से काम कर रहे हैं, बट सभी एक ही फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, वो है फाइनेंस। तो ये यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको आप खुद से भी चेक कर सकते हो, उनको एनालाइज कर सकते हो कि लोग किस तरीके से यहाँ पे काम करके पैसा कमा रहे हैं फाइनेंस निश के अंदर। दोस्तों अब बात करते हैं हम लैंग्वेज की, कि आप फाइनेंस निश के अंदर किस किस लैंग्वेज में काम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लैंग्वेज है, पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश और तीसरा रीजनल। फाइनेंस के अंदर अगर आप रीजनल लैंग्वेज में काम करते हो, आपकी ग्रोथ है ना पहले महीने से ही स्टार्ट हो जाएगी, और आपके पास जो ट्रैफिक हो पहले महीने से ही आना शुरू हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो जो लोग रीजनल लैंग्वेज के अंदर काम करना चाहते हैं, तमिल, तेलुगु, मराठी, तो आप आराम से काम कर सकते हो, उनके अंदर भी पोटेंशियल है फाइनेंस निश के अंदर, ठीक है। और बाकी हिंदी इंग्लिश में तो आपको पता ही है, लेकिन मैं आप सभी को एक चीज सजेस्ट करूंगा, जिन लोगों को यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती ना, जो लोग हिंदी में काम करना चाहते हो वो सबसे बेस्ट रहेंगे, क्योंकि हिंदी के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत कम है, आप इजिली रैंक कर जाओगे। देखो इंग्लिश के अंदर क्या है कि इंग्लिश के अंदर इंटरनेशनल ब्लॉगर भी हैं जिनके साथ हम कम्पीट करें, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ जाता है। तो अगर आप फाइनेंस निश के अंदर काम करना चाहते हो तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप हिंदी ब्लॉगिंग से स्टार्ट, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे सर अगर हम सभी एक साथ फाइनेंस निश पे काम करेंगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आगे मैं आपको इतने निश बताने वाला हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस निश पे काम करूं। मैं आगे पूरा फाइनेंस निश को आपके सामने खोल के रख दूं। जो लोग ये सोचते हैं कि फाइनेंस के अंदर सिर्फ 3 से 4 टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंस ब्लॉग के अंदर कितने निश। अब मैं आपको यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड नहीं करके दिखाने वाला, मैं आपको एक प्रॉपर माइंड मैप दिखाता हूँ कि जो बिगनर है वो कहाँ तक रह जाते हैं और जो प्रो ब्लॉगर है वो कहाँ तक चले जाते हैं, उनको जो माइंडसेट है कहाँ तक चला जाता है रिसर्च के। फाइनेंस निश के अंदर मैंने यहाँ पे 4 कैटेगरी बनाई है। सबसे पहली कैटेगरी है शेयर मार्केट, फिर है इन्वेस्टमेंट, फिर है बैंकिंग, फिर है मेटावर्स। ये चारों किसके अंदर आती है, ये आती है फाइनेंस के अंदर। अर्न मनी ऑनलाइन है वो भी फाइनेंस के अंदर ही आते हैं, बट मैं उसको इसके अंदर कवर नहीं कर रहा क्योंकि उसके बारे में मोस्टली लोगों को पता है। अब अगर हम इसको ओपन करते जाएं तो अब आपको पता लग जाएगा कि जो फाइनेंस निश है वो कितना बड़ा और कितना ब्रॉड निश है। तो जो हम हमेशा 4-5 निशेस के बारे में सोचते रहते हैं ना, वो निश नहीं है मार्केट में, बहुत सारे निश। अब मैं यहाँ पे एक एक करके सभी को ओपन करता हूँ। सबसे पहला शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट के अंदर कौन से माइक्रो निश है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है शेयर मार्केट गाइड। अब शेयर मार्केट गाइड है, फिर यहाँ पे है ट्रेडिंग, फिर यहाँ पे म्यूचुअल। अब शेयर मार्केट गाइड के अंदर भी यहाँ पे कुछ माइक्रो निशेज है, यानी माइक्रो के भी माइक्रो। क्या है यहाँ पे? टारगेट प्राइस प्रिडिक्शन। मैंने अभी आपको एक वेबसाइट दिखाई थी शेयर प्राइस टारगेट के नाम से, जो सिर्फ शेयर प्राइस को टारगेट कर रही थी, जो प्रिडिक्शन कर रही थी। अब यहाँ पे किस तरीके के कीवर्ड होंगे, जिस तरीके से मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड है, तो इस तरीके से आप इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं उनको टारगेट करोगे फाइनेंस निश के अंदर। बहुत ही ज्यादा लो कंपटीशन, ठीक है, मार्केट में बहुत ही ज्यादा कम वेबसाइट है जो स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर काम कर रही है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो आपको एक वेबसाइट दिखाई थी टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड, जो सिर्फ टेलीग्राम चैनल के लिंक प्रोवाइड करती थी, मैं आपको अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाऊँ किस तरीके के इसके अंदर कीवर्ड होंगे, यहाँ पे देखो 18,000 सर्च वॉल्यूम है शेयर प्राइस टारगेट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड, यहाँ पे देखो कितने सारे आपको यहाँ पे कीवर्ड मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप वेबसाइट देख सकते हो, बिल्कुल लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर दी, ठीक है। और आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में काम करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो कितने सारे आपको कीवर्ड मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड, वो भी फाइनेंस निश के ऊपर। तो यहाँ पे भी आपको सीपीसी हाई मिलेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस निश पे अगर आप काम करते हो टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड तो यहाँ पे आपको कम सीपीसी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी आपको जो सीपीसी एकदम हाई मिलने वाला। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ, इसी तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम, यहाँ पे जिसके अंदर आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि डेली वो आपको प्रोवाइड करेंगे कि आज इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करो, आज इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करो, इस तरीके के जो ग्रुप है
लोग इनको ज्वाइन करना चाहते हो उनसे रिलेटेड आप चार्ट बना सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट शब्द है ट्रेडिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, बिगिनर क्या करते हैं, शेयर मार्केट में आएंगे, ट्रेडिंग निश को पकड़ेंगे, सीधा इस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत। ट्रेडिंग के अंदर भी कुछ माइक्रो निशेज है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, ये चार यहाँ पे माइक्रो निश आते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो जो लोग यहाँ पे फाइनेंस निश के अंदर ट्रेडिंग के अंदर काम करना चाहते हैं, तो सीधा ट्रेडिंग के अंदर काम स्टार्ट मत करो, या तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर स्पेशली एक वेबसाइट बनाओ। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको इंटरनेट पे कोई भी एक ऐसी वेबसाइट नहीं मिलेगी जो स्पेशली इन चार टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग, जैसे आपको इंटरनेट पे कोई भी ऐसी स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं मिलेगी जो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, ना ही आपको कोई एक ऐसी वेबसाइट मिलेगी जो स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। तो यहाँ पे निशेज के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई अपॉर्चुनिटी है आपके पास की, अगर आप इन निशेज में काम करते हो तो आप जल्दी रैंक करोगे और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हाई अर्निंग आप करने वाले। और एल्गो ट्रेडिंग का तो ट्रेंड ही है, आप सभी को पता है इतने ज्यादा मार्केट में AI आ गए हैं, ट्रेडिंग बॉट आ गए हैं, जिनको लोग यूज करके यहाँ पे मिलियंस में पैसा कमा रहे हैं। जो बिगिनर्स होते हैं, जो लोग ट्रेडिंग के अंदर बिगिनर है, उनको इन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इन सॉफ्टवेयर के बारे में बता सकते हो, आप एल्गो ट्रेडिंग के बारे में लोगों को बता सकते। मैंने अब तक जितनी रिसर्च किया, मुझे अभी तक एक भी वेबसाइट ऐसी नहीं मिली है जो स्पेशली इन टॉपिक्स के ऊपर। फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, आप इसके ऊपर लिख सकते हो, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, इसके अंदर आप माइक्रो जा सकते हो। जैसे बाइनेंस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो आप स्पेशली बाइनेंस ट्रेडिंग से रिलेटेड यहाँ पे स्ट्रेटेजी वगैरह बता सकते हो लोगों। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के यहाँ पे 10 से 20 करोड़ यूजर हैं, तो उन सभी वो सभी क्या बाइनेंस ट्रेडिंग से रिलेटेड सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, स्ट्रेटेजी वगैरह उन्हें चाहिए होती है, तब इसकी यहाँ पे स्ट्रेटेजी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊं बाइनेंस ट्रेडिंग से रिलेटेड, ये देखो बाइनेंस ट्रेडिंग टेलीग्राम ग्रुप, इनका भी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप चाहिए, ये देखो बॉट्स चाहिए, जो मैंने आपको एल्गो ट्रेडिंग के अंदर बोला था, वॉल्यूम हो गया, फीस फ्यूचर हो गया। मैं आप बाइनेंस ट्रेडिंग टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे इस कीवर्ड को सर्च कर, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कोरा भी रैंक कर रही है और कुछ लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स भी यहाँ पे रैंक कर रही है। और ये देखो बाइनेंस ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे कितने सारे कीवर्ड मिल रहे हैं। अगर मैं सिर्फ बाइनेंस ट्रेडिंग यहाँ पे सर्च करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाइनेंस ट्रेडिंग से रिलेटेड लोगों की यहाँ पे प्रॉब्लम भी है, क्वेरीज भी हैं, जिनके आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। और अगर आपको इन टॉपिक्स के अंदर नॉलेज नहीं है ना, तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से आराम से ले सकते हो, यूट्यूब से इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखो और आप उनके आंसर है अपने आर्टिकल के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन बाइनेंस ट्रेडिंग, यहाँ पे बाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है, बाइनेंस बाइनेंस बाइनेंस, ये देखो ज्यादातर बाइनेंस वेबसाइट रैंक कर रहे हैं, क्योंकि गूगल के पास कोई दूसरी वेबसाइट है ही नहीं जो स्पेशली बाइनेंस के ऊपर मतलब यहाँ पे आर्टिकल लिख रही। तो अगर आप आर्टिकल लिखते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप रैंक कर जाओ। अब इन वेबसाइट्स को देख के कभी भी मत डरना कि फोर्ब्स जैसी वेबसाइट रैंक कर रही है। अब मैं आपको एक सबसे बड़ा रियल एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि फाइनेंस ब्लॉगिंग के अंदर कॉम्पिटिशन है या नहीं है। अब देखो लर्न फॉरएवर है, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी एक एक्सपेरिमेंटल वेबसाइट है, यहाँ पे मैं शेयर मार्केट लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखना मैंने शेयर मार्केट से रिलेटेड कितने आर्टिकल लिखे, सिर्फ 2 आर्टिकल अभी तक लिखे, ये भी सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए। अब यहाँ पे देखो हाउ टू अर्न 1 lakh ठीक है पर डे फ्रॉम द शेयर मार्केट, एक है द 7 स्टॉक बेस्ट स्टॉक्स टू बाय इन शॉर्ट टर्म इन 2023, 2 मैंने यहाँ पे आर्टिकल लिखे हैं। मेरी वेबसाइट कोई फाइनेंस के ऊपर नहीं है, मल्टीनिश वेबसाइट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सकता हूँ फर्स्ट पेज पे, तो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे नहीं सर, ना तो मेरी इसके अंदर कोई अथॉरिटी है, ना ही मेरी वेबसाइट फाइनेंस निश पे है, बट मैं रैंक कर रहा हूँ। आपको भी दिखा देता हूँ, ये मेरा पूरा कीवर्ड है, ये देखो मैं यहाँ पे रैंक कर रहा हूँ। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कितनी हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स के बीच में मैं रैंक कर रहा हूँ इस कीवर्ड के ऊपर, ये देखो 48 31, ठीक है इसकी भी हाई डोमेन अथॉरिटी है, ये देखो 20 43। ग्रो ऐप और 5 पैसा, कितनी बड़ी शेयर मार्केट वेबसाइट है, ये ऐप है, ये मेरे से नीचे रैंक करे और मेरी जो वेबसाइट है इनसे ऊपर रैंक करे। तो फाइनेंस के अंदर जो रैंक करना है वो इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, हर कोई रैंक कर सकता है अगर आपको सही स्ट्रेटजी का पता है तो, ठीक है। और आप भी इसी तरीके से रैंक करोगे जिन निशेज पे मैं आपको बता रहा हूँ आपको काम करना है, अगर आप उन निशेज पे काम करते हो तो आपको रैंक करने से कोई रोक नहीं सकता। तो आगे से ये बड़ी बड़ी हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स को देख के कभी डरना मत, आप इन सभी को डीरैंक कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रेडिंग होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग है ये, फिर ट्रेडिंग है, इसके अंदर यहाँ पे और भी माइक्रो निश आते हैं, क्या आता है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हो गया, या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हो गई आप उनकी PDF प्रोवाइड कर सकते हो, या तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की PDF हो गया, ट्रेडिंग बुक्स की PDF हो गई। अब ये वो निशेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाइनेंस हो गया, ओप्टा FX हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, या फिर जो ये टेलीग्राम चैनल हो गया, प्राइस प्रेडिक्शन हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप, ये ऐसे निशेज है जिनमें
ना तो आपको कभी रिच स्निपेट मिलेगा, रिच स्निपेट यानी इस तरीके से कभी आंसर मिलेंगे, और ना ही यहाँ पे एआई आपको कंटेंट दे सकता है इन टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको खुद से आर्टिकल लिखना है, खुद से रैंक करोगे। ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ पे एआई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, एआई इन टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल नहीं लिख सकता। अगर आप चैट जीपीटी के पास जाओगे या फिर किसी भी एआई टूल के पास जाके लिख हेडिंग जो बुक पीडीएफ डाउनलोड, तो आपको वहाँ पे पीडीएफ ला के नहीं देगा कभी। तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको जितने निश बता रहा हूँ ना, वो निशीज है जिनमें आप हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क करके पैसा कमाओगे। याद रखना, यहाँ पे चाहे मार्केट में कितने भी एआई टूल आ जाए, आपको यहाँ पे रैंक करने से को रोक नहीं सकता। अभी देखो हम कितना अंदर घुस चुके हैं यहाँ पे फाइनेंस निश के अंदर, ये देखो सिर्फ शेयर मार्केट से रिलेटेड हमें कितने सारे निश मिल। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के। अब यहाँ पे आपके पास तीन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है, रियल एस्टेट, गोल्ड। अब रियल एस्टेट या फिर गोल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई कंपटीशन है, या फिर थोड़ी हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट रैंक करते हैं, तो यहाँ पे आपको काम नहीं करना। आगे मनी मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे बजटिंग है और सेविंग, ठीक है। अब सेविंग के अंदर स्टूडेंट सेविंग कैसे कर सकते हैं वो आ सकते हैं, पर्सनल फाइनेंस या फिर आ सकता है बजटिंग के अंदर पर्सनल बजटिंग या पर्सनल प्लानिंग आ सकता है, फाइनेंस प्लानिंग आ सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अंदर सिर्फ बजटिंग के अंदर काम करोगे, सेविंग के ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा सा हाई कॉम्पिटिशन है। तो इन्वेस्टमेंट के अगर आप काम कर रहे हैं तो बजटिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे बैंकिंग के ऊपर, ठीक है। बैंकिंग भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा निश है। बैंकिंग के अंदर आ जाते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, लोन, इंश्योरेंस, ठीक है। अब ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर क्या आएगा, ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर आ जाएगा बैंकिंग ऐप प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे SBI की ऐप है, पंजाब नेशनल बैंक है, HDFC, इनकी जितनी भी ऑनलाइन ऐप्स हैं या फिर वेबसाइट, उनके अंदर लोगों को प्रॉब्लम होती है। उन्हें नहीं पता कि अपना यहाँ पे जो ATM है उसका पिन कैसे चेंज करना है, ठीक है, लॉगिन कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे हिंदी में। याद रखना हिंदी में मैं बात, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में आप काम करोगे। उसके बाद यहाँ पे आता है लोन। अब इसमें भी आपको हिंदी में काम करना है, इंग्लिश में थोड़ा कॉम्पिटिशन है, हिंदी में यहाँ पे आपको काम करना है। लोन में क्या है, लोन ऐप रिव्यू। अभी आप सभी को पता चल चुका है यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी ऐप आ चुकी है जो आपको इंस्टेंट लोन देती है, यानी आपको बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है, बैंक के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही आपको यहाँ पे लाखों का यहाँ पे लोन मिल जाता है ऐप्स के अंदर। जैसे मनी वी एक ऐप है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रही है, ठीक है। तो लोग इनको डाउनलोड कर रहे हैं बट उनको ये नहीं पता इनके अंदर साइनअप कैसे करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगेगी। जस्ट मनी हो गया, मनी वी हो गया, ये देखो कितनी सारी यहाँ पे ऐप्स हैं। तो इन सभी के ऊपर आप क्या है यहाँ पे आर्टिकल लिखोगे, लोगों को बताओगे यहाँ से आप लोन कैसे ले सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। सर्चेज भी देख लो बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ गया लोन गाइड, ठीक है। अब लोन गाइड हो गया, ये हमारा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट होगी। अब यही नहीं है कि इन दोनों को आप एक ही वेबसाइट के अंदर कवर कर लो। बहुत से लोग क्या सोचेंगे सर लोन के ऊपर एक वेबसाइट बना लेता हूँ, दोनों के एक के अंदर ही कवर कर लूंगा, ऐसा नहीं करना। या तो लोन ऐप रिव्यू के ऊपर स्पेशली वेबसाइट बना या लोन गाइड के ऊपर। लोन गाइड यानी अगर आपको SBI बैंक से लोन लेना है तो आप लोन कैसे ले सकते हो, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे बताओ। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक और माइक्रो निश आता है, वो आता है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के अंदर क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस, पेट इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस। मैं आपको यहाँ पे एक चीज सजेस्ट करूंगा कि इंश्योरेंस के अंदर आप स्पेशली सीधा इंश्योरेंस के ऊपर वेबसाइट बना लो, और या फिर सीधा इंश्योरेंस के ऊपर काम नहीं करना चाहते तो आप सीधा पेट इंश्योरेंस के ऊपर काम कर लो या व्हीकल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की तरफ वहां जाना यहाँ पे थोड़ा हाई कॉम्पिटिशन है, या तो पेट इंश्योरेंस पे काम कर लो माइक्रो निश में, या फिर व्हीकल इंश्योरेंस के ऊपर, जैसे कार हो गया, बाइक हो गई, ट्रक हो गया, इनके इंश्योरेंस होती है, इनसे रिलेटेड आप यहाँ पे काम कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा बैंकिंग था। अब यहाँ पे जो लास्ट हमारा है माइक्रो निश है फाइनेंस के अंदर, वो है मेटावर्स। अब मेटावर्स के अंदर भी कुछ यहाँ पे माइक्रो निश आ जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी, NFT। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर और भी ज्यादा माइक्रो निश आते हैं, जैसे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो गेम्स, क्रिप्टो गाइड। तो आप यहाँ पे क्रिप्टो गेम्स, अब क्रिप्टो गेम के अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा किस तरीके से काम कर रहे हैं, कि जैसे बेस्ट गेम्स टू अर्न फ्री क्रिप्टो या बेस्ट गेम टू अर्न फ्री बिटकॉइन, इस तरीके की कीवर्ड्स को आप टारगेट करो, जहाँ पे आप लोगों को बताओगे कि आप फ्री में कैसे क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से आप आर्टिकल लिखोगे जहाँ पे आप अलग अलग वेबसाइट्स के बारे में बताओगे लोगों को, जहाँ से लोग फ्री में जो क्रिप्टो करेंसी है उसको अर्न कर सकते हैं। और एक हमारी होगी क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग का ही पार्ट, लेकिन मैंने इसको क्रिप्टो करेंसी के अंदर डाला है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग भी एक माइक्रो निश है। NFT के ऊपर आपको काम नहीं करना है, इसमें थोड़ा अभी क्या पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा आपको फास्ट ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे अगर हम पूरा हमारा माइंड मैप उसको ओपन करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि फाइनेंस निश कितना बड़ा निश है। और यहाँ पे मैंने ये लिमिटेड लिए है। अब बताओ मुझे कौन बोलता है कि फाइनेंस के अंदर निश नहीं है। अगर आप इस तरीके से पूरा एक अच्छा प्रॉपर माइंड मैप बना कर निश रिसर्च करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे अमेजिंग निश मिल जाए। यहाँ पे देखो मैंने आपको कितने सारे निश दिखा दिए फाइनेंस निश से रिलेटेड, जिनके अंदर कॉम्पिटिशन है ही नहीं, जिनमें आप आसानी से रैंक कर जाओगे। और मैंने दिखाया कि यहाँ पे कैसे लोग मैंने अथॉरिटी वेबसाइट रैंक कर दी, ठीक है, इन सभी निशेज के ऊपर। तो जो भी लोग फाइनेंस निश के ऊपर काम करना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि किस टॉपिक पे काम करें, तो भाई मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए,
बिल्कुल एकदम माइक्रो माइक्रो लेके गया हूँ वहां पे, आपको बता दिया मैं। और अगर भी कोई काम स्टार्ट नहीं करता है तो फिर उससे ज्यादा पागल इंसान कोई है ही नहीं, ठीक है। इन जो भी मैंने आपको जितने भी निश बताए सभी के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वर्किंग मेथड की, कि आप फाइनेंस निश के अंदर आप काम कैसे स्टार्ट करोगे, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने। सबसे पहला, जो जितने भी मैंने आपको अभी माइक्रो निश बताए हैं उनमें से किसी भी एक निश को आपको चूज कर लेना आंख बंद कर, ठीक है, क्योंकि पूरी रिसर्च के साथ पूरा मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बता के आपको बता दिया है कौन से निश आपके लिए बेस्ट रहे। दूसरा, जब आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो वहां पे आपको मिनिमम चार कैटेगरी बनानी है, चाहे किसी भी माइक्रो निश में काम करो आपको चार कैटेगरी मिनिमम बनाने की बनानी। तीसरा, आपको सारे इंपॉर्टेंट पेजेस बनाने हैं, मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों के सारी चीजें पता है, बट जो लास्ट पॉइंट है उसको ध्यान से सुनो। फोर्थ जो हमारा पॉइंट होगा उसके अंदर आपको 30 आर्टिकल लिखने हैं, मिनिमम 30 आर्टिकल आपको लिखने हैं मिनिमम 1000 वर्ड के, ताकि आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाए और आपकी वेबसाइट है वो यहाँ पे एक महीना पुरानी होनी। अब बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर एडसेंस अप्रूवल के लिए ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं बता दूं कि 100-200 का ट्रैफिक अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपको जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। अब जो फिफ्थ पॉइंट है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी के टाइम पे लोगों को एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? कि लोग है ना ऐसे टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी लाखों में आर्टिकल डले हुए हैं, तो आपको यहाँ पे यूनिक आर्टिकल तो लिखना ही लिखना है, साथ ही साथ आपको यूनिक टॉपिक के ऊपर काम करना है। और जो आप अपने पहले 30 आर्टिकल लिखोगे वो आपको पीपल आल्सो आस्क वाले क्वेश्चंस में से उठाने हैं। पहले तो 30 आर्टिकल लिखोगे इन्फॉर्मेशन होने चाहिए, याद रखना सर, यानी कि स्टार्टिंग में टेलीग्राम लिंक या फिर डाउनलोडिंग कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया। आपको किस तरीके से काम करना, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ बेस्ट गेम्स टू अर्न फ्री बिटकॉइन, मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया, अब मेरे सामने यहाँ पे कुछ पीपल आल्सो आस्क में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आप जो भी 30 आर्टिकल लिखोगे वो आपको इन क्वेश्चन कीवर्ड्स के ऊपर लिखने हैं, याद रखना। अब यहाँ पे जब आप क्वेश्चन कीवर्ड पे काम करोगे तो जो भी आप कीवर्ड लोगे ना आपको एक सीधी सी चीज चेक करनी है कि इस टॉपिक के ऊपर कितने लोगों ने आर्टिकल लिखा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आपको पता लगेगा? अब यहाँ पे दिखाओ गूगल ने हमें यहाँ पे लाखों में रिजल्ट दिखा दिए, लेकिन हमें यहाँ पे रियल में पता करना है कि कितने लोगों ने इस कीवर्ड के ऊपर काम किया है। ऑल इन टाइटल लगा देना है यहाँ पे, देखो जीरो। इसी को बोलते हैं अनटच कीवर्ड, एज इट इज इस कीवर्ड पे अभी तक किसी ने काम नहीं किया है। तो इस वजह से आप सभी को बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क वाले कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हो और ऑल इन टाइटल जरूर से जरूर चेक करना है, अगर यहाँ पे आपको 10 से कम रिजल्ट मिले तो आप उस कीवर्ड के ऊपर काम करो। अब यहाँ पे जीरो रिजल्ट है, यानी अभी तक इस टॉपिक के ऊपर एज इट इज इस टॉपिक पे किसी ने काम नहीं किया है, तो ये क्या है, ये एक यूनिक टॉपिक हो गया गूगल की नजर। तो अगर आप ऐसे ऐसे इन टॉपिक्स के ऊपर 30 आर्टिकल लिख देते हो ना तो आपको अप्रूवल दिलाने से कोई रोक नहीं सकता, आपको 101% एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। इन्हीं को बोला जाता है यूनिक टॉपिक, इन्हीं को बोला जाता है अनटच कीवर्ड्स, याद रखना सभी। तो स्टार्टिंग में तो 30 आर्टिकल लिखोगे पीपल आल्सो आस्क वाले कीवर्ड्स के ऊपर ही आपको लिखने हैं। अब हमारा यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट रह गया जो है हाउ टू बीट AI। अब मार्केट में इतने ज्यादा AI आ गए, AI कंटेंट रैंक कर रहा है, ये बिल्कुल कर रहा है रैंक, तो अब उसको बीट कैसे किया? सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको पीपल आल्सो आस्क वाले जो कीवर्ड है उनके ऊपर काम करना है सबसे पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो फ्रेश होते हैं, गूगल आपको हमेशा फ्रेश कीवर्ड देता रहेगा जिनके ऊपर AI कंटेंट नहीं लिख सकता क्योंकि उनके पास उससे रिलेटेड डाटा नहीं हो। तो आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रेश टॉपिक के ऊपर काम करना। फिर दूसरा है राइट मोर डाउनलोडिंग आर्ट, मैंने आपको यहाँ पे पीछे कुछ लिस्ट दिखाई थे जैसे टेलीग्राम लिंक हो गया, बुक PDF हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हो गया, ठीक है, इस तरीके के मैंने आपको लिस्ट दिखाई थे। अगर आप इन लिस्ट के ऊपर काम करते हो तो वहां पे AI आपको कुछ नहीं कर सकता। तो आपको AI से डरने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इन दो चीजों को फॉलो करना है, AI आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर आप इस वीडियो में यहां तक आ चुके हैं तो इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दो, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलने वाली। ऐसे स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको यहाँ पे कोई भी नहीं बताने वाला, इतने ज्यादा माइक्रो निश आपको फाइनेंस के अंदर कोई भी नहीं बताने वाला। मैंने आपको सात चीजें एकदम प्रूफ के साथ दिखा दी है कि कितना कंपटीशन है, कितने निशेज हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं रैंकिंग के ऊपर, कि आप अपने फाइनेंस निश वाले जो आर्टिकल्स हमको रैंक कैसे करवाओगे, ठीक है, उसके लिए मैं सीक्रेट टिप्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ रैंकिंग के लिए। तो जिन लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया इस वीडियो को लाइक कर दो, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में आप हमारे आने वाले ब्लॉगिंग कोर्सेज को मिस ना करो। और हमारा एक लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स भी है जिसके अंदर हम आपको A to Z ब्लॉगिंग सिखाने वाले हैं। उस कोर्स के अंदर हम आपको तीन तरीके की ब्लॉगिंग सिखाएंगे, पहला होगा इन्फॉर्मेशन ब्लॉगिंग, दूसरा होगा डाउनलोडिंग कंटेंट ब्लॉगिंग, और तीसरा होगा अडल्ट ब्लॉगिंग, जो कि फ्यूचर है जिसकी डिमांड हमेशा मार्केट में रहती है। इंटरनेट पे जितने भी लोग आते हैं 70% लोग गूगल के ऊपर अडल्ट ब्लॉगिंग से रिलेटेड सर्च, अडल्ट कंटेंट से रिलेटेड सर्च करते हैं, तो आप सोच सकते हो इसके अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो हम यहाँ पे हमारे लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स के अंदर आपको तीन तरीके की ब्लॉगिंग सिखाएंगे, और वो भी लाइव डेली आपकी लाइव क्लासेस होंगी। 40 डेज का हमारा एक कोर्स होने वाला है,
कोई 10-20 दिन का कोर्स नहीं होगा, पूरा 40 डेज का कोर्स होगा और ए टू जेड आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम सिखाएंगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने अपने पहले 3 महीनों के अंदर ही $2,000-2,500 कमाए हैं और वो कमा भी रहे हैं, अभी भी कमा रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से अमेजिंग अर्निंग करना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जल्द जाओ और हमारे लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन कर लो क्योंकि जल्द ही हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जल्द से जल्द जाकर अपनी सीटें हैं वो बुक कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैंकिंग की, आप अपने आर्टिकल को रैंक कैसे करवा सकते हैं। रैंक करवाने के लिए ना मैं आपको सिर्फ एक ही स्टेप बताऊंगा, जो मेरा आर्टिकल रैंक कर रहा है शेयर मार्केट वाला आर्टिकल रैंक कर रहा है, ठीक है, टॉप 10 के अंदर, ये किस वजह से रैंक कर रहा है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जो टॉप रैंकिंग आर्टिकल है ना उनकी स्ट्रक्चर को कॉपी कर देना, सीधा सा बता रहा हूँ, उनकी हेडिंग्स को कॉपी कर लो। अगर मैं फर्स्ट आर्टिकल को ओपन करूँ और मेरे आर्टिकल को ओपन करूँ, यहाँ पे आप डिफरेंस देख लेना, सेम नहीं हो तो ये देखो सेम हेडिंग है जो इन्होंने रखी है, बस यहाँ मैं डिफरेंट वेज वाली चेंज कर दिया। उसके बाद देखो डिलीवरी ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, फिर मेन फोकस पॉइंट हो गए यहाँ पे, ये देखो की पॉइंट्स हो गए, ये रहे की पॉइंट, इन्होंने इनको एक्सप्लेन किया, मैंने इनको एक्सप्लेन किया, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, मीनिंग दोनों का सेम ही है बट क्या है यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज अलग है यहाँ पे, ठीक है, जो लिखने का स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन देखो सारी चीज़ें मैंने सेम लिखी है। फिर कंक्लूजन आ गया, एफएक्यू आ गया, कंक्लूजन आ गया, एफएक्यू आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्चर मैंने कॉपी कर लिया जो फर्स्ट आर्टिकल है उसकी, और इस वजह से मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर मेरा जो आर्टिकल है वो रैंक कर रहा है गूगल के अंदर, ये देख सकते हो आप, ये रैंक कर रहा है। यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस भी कीवर्ड पे काम कर रहा है टॉप रैंकिंग आर्टिकल है ना उसकी स्ट्रक्चर को कॉपी कर, क्योंकि गूगल ने इस आर्टिकल को किसी वजह से रैंक करवाया, इसके अंदर ऐसी कोई स्पेशल चीज है जो बाकी आर्टिकल्स के अंदर नहीं है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेंगे तो वही स्पेशल चीज हमारे आर्टिकल के अंदर आ जाएगी और हम भी टॉप 10 के अंदर रैंक करना स्टार्ट कर। तो रैंक करने का यही एक सबसे बड़ा सीक्रेट फॉर्मूला था जो मैंने आपको बता दिया। तो भाई जो भी लोग फाइनेंस ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और फाइनेंस ब्लॉगिंग से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, मैंने उनको पूरी डिटेल बता दिया किस निश पे काम करना है, कैसे रिसर्च करनी है, रैंक कैसे करवाना है, ठीक है, ए टू जेड सारी चीजें मैंने आपको बता दी, एआई को कैसे बीट कर सकते हो, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग और हिंदी ब्लॉगिंग है। देखो मैंने आपको कुछ ऐसे नहीं बताया, जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का पार्ट, ठीक है, फाइनेंस ट्रेडिंग है वो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का ही पार्ट, क्रिप्टो करेंसी वो भी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का ही पार्ट है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, अब इनके ऊपर अगर आप काम करते हो तो आप आसानी से इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के अंदर भी रैंक कर सकते, ठीक है। तो आज की इस कोर्स के अंदर इतना ही, तो जिन लोगों को ये कोर्स अच्छा लगा हो, जिनको इस कोर्स से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्द से जल्द जाकर हमारा लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स ज्वाइन कर लो, वही ना फ्यूचर है ब्लॉगिंग का। उसके अंदर मैंने ऐसे मेथड बताए हैं जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेंगे और ये चीज मैं पूरे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। पहली क्लास लगाओगे, पहली क्लास में बोल दोगे सर आउटस्टैंडिंग है, ऑसम क्लास, ये मेरी गारंटी है। तो जल्द से जल्द जाकर हमारा लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स ज्वाइन कर लो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग कोर्स के साथ।